फिर बढ़ के ना मारा करना, हाँ मतलब मुस्तफा कुरैशी और आपको बदर मुरी में बंदीर बनने की क्या जरूरत है फिर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत के मुश्किल फैसले, महंगाई बढ़ती जा रही है और इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर हुकूमत पर चूँकि सियासी बहरान और माशी बहरान है, इससे कैसे नबदअज़मा होगी इत्तेहादी हुकूमत और उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम दिया था 6 दिन का, फौरी इंतखाबात करवाएं, चूँकि उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया था और हुकूमत से ये कहा था कि आपके पास 6 दिन का वक्त है, 4 दिन गुजर चुके हैं, 2 दिन बाकी हैं, अब आगे क्या होगा। चूँकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बार बार इमरान खान साहब ये बात दरख्वास्त कर रहे हैं कि श्योरिटी दी जाए कि अब तशद्दुद नहीं होगा और हम दोबारा मार्च के लिए निकलेंगे। एक चीज़ वाज़े हो गई कि किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई थी खान साहब का, जो के मुतालबात थे, जो कहा यह जा रहा था कि शायद कोई वादा हुआ है उनके साथ, तो बज़ाहिर तो इसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की अगर हम बात करें, उनके इत्तेहादियों की बात करें, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और इस चीज़ पे चूँकि नवाज शरीफ साहब भी राज़ी हैं कि मौजूदा हुकूमत फैसले जैसे भी हों, मुश्किल हों, लेकिन इन हालात को हमने चैलेंज करना है, इनको कबूल करना है और इन्हीं हालात के साथ आगे बढ़ेंगे और नैब इस्लाहात, इलेक्शंस के वाले से रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इलेक्शंस में जाएंगे। लेकिन हुकूमत पर इमरान खान दबाव डालते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है, आज की जो उन्होंने खिताब कर रहे थे उसमें भी उन्होंने बड़ा जारहाना रवैया रखा और वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़ मांगा है, क्या सुप्रीम कोर्ट तहफ़ देगी और अगर तहफ़ नहीं देती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लायामल क्या होगा और वो कैसे अपने इस बयानिए में जान डालेंगे। अब तक हम देख रहे हैं कि शुरू में बहुत ज़्यादा तादाद उनके साथ थी, लेकिन जो लॉन्ग मार्च हुआ उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। खान साहब की तवक्को के मुताबिक नंबर्स नहीं आए और अब उन्होंने कह रहे हैं कि भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद में आएंगे। दोबारा इस्लामाबाद आना क्या हुकूमत अफोर्ड कर पाएगी और इस पर स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा शमी मुमताज़ साहिबा, सीनियर सियासतदान हैं और MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शमीम साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सियासतदान हैं, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और शाहनवाज जदून साहब MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में उन्होंने ज्वाइन करना था, किसी एमरजेंसी की वजह से नहीं ज्वाइन कर सके। शाहनवाज साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और वीडियो लिंक से सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार असमा वदूद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर लिया है। असमा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ शमी मुमताज़ साहिबा आपसे करते हैं। बड़ा मुश्किल सूरत हाल है, संगीन हालात हैं और चाहे माशी या आइनी, कुछ चीज़ें कुछ फैसले चले बेहतर हुए, गवर्नर पंजाब का मामला जो था वो हल हो गया आज अल्लाह अल्लाह करके, क्या देख रही हैं मामला किस तरफ जा रहे हैं। फौरी इलेक्शंस होंगे, खान साहब के 2 दिन रह गए अल्टीमेटम उनको उन्होंने दिया हुआ आपकी इत्तेहादी हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ाहिर है जिस वक्त जिस मौके पर हम बैठे हुए हैं और मुश्किलात तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट मिली है, चाहे वो नून लीग हुकूमत कर रही है या इत्तेहादी जमातें साथ मिलकर काम कर रही हैं, मुश्किल हालात तो हैं। ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, जाते वक्त IMF से जिस तरह के मुहाहदे करके गए, उसकी रोशनी में पेट्रोल का महंगा होना या बिजली का महंगा होना और उसके बाद महंगाई का एक तूफान आना, वो ज़ाहिर है सब उनके खाते में जाएगा। ये कोई बात नहीं है कि ये कहा जाएगा जी हम मलबा हमेशा पिछली हुकूमतों पर डालते हैं, ये तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि उन्होंने जो है वो 1 महीने की सब्सिडी पर दे के और मुंजमित कर दी थी कीमतें, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो शायद चले जाएंगे या नहीं जाएंगे। जो भी था, एक सियासी अमल था जिसके ज़रिए तहरीक अदम एतमाद आई, जो कि कप्तान साहब की भी ख्वाहिश थी कि जी मैं तो दुआ कर रहा था मेरे खिलाफ आए और मैं तो नफिल अदा करूंगा जाकर, तो उनकी दुआ अल्लाह ताला ने पूरी की और तहरीक अदम एतमाद आ गई और वो मंजूर हो गई।
अब एक जमहूरी तरीके से उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था इसको, और उनको असेंबली के फ्लोर पर रहते हुए, अपोजिशन में रहते हुए अपना वो किरदार जमहूरी अंदाज में अदा करना चाहिए था, बामुकाबला मुस्तफ़ा कुरैशी बन जाए या बदर मुनीर बन जाए और वो गीदड़ भक्कियाँ और ठीक। जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर जो बातें की थी। इसमें इसमें शमी मुतासर, चूंकि बात आपने थोड़ी इस तरह की, हमने देखा कि मासी में जब उन्होंने धरना दिया था, इस्तीफे भी दे दिए थे और फिर असेंबलियों में वापस आए थे। अब भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि असेंबलियों में वापस आ सकते हैं, लगता है आपको कि वो फ्लोर पे आए? देखिए देखिए, उनकी हर वो चीज़ जो उन्होंने कंटेनर पे खड़ों की थी वो उनके लिए ही जहमत बनी हमेशा। और मैं तो कहती हूँ शायद वो बेचारे पछताते होंगे कि वो तकरीरें क्यों वापस मेरी ही तरफ लौट कर आती हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा हमेशा यू टर्न लिया उन्होंने उससे। ठीक। तो उस वक्त से उठा के देख लें, अभी तक तो पहले भी उन्होंने यही कहा था, फिर वो कहते हैं कि जी ये नाजायज असम्बलियाँ हैं, ये असम्बलियाँ, आज जो एक फैसला हुआ है कि जी अब वो 30-30 की तरह लोग आएंगे और जाके वो अपना स्पीकर साहब अपना इस्तेमाल करेंगे हक, और फिर उनके इस्तीफे कबूल किए जाएंगे और हम जिमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जमहूरी तरीके से हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक ठीक है। और राजा परवेज अशरफ एक वजेदार इंसान है और ज़ाहिर है वो स्पीकर का रोल अदा कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि जमहूरी तरीका यही था कि किसी ने हाथ से लिख के इस्तीफे नहीं दिए, टाइप शुदा इस्तीफे हैं वो, ठीक है, जो हमारा आईन सेम कहता है फॉर्मेट पे। वो तो वो हाँ कहता है कि आप अपना खुद लिख के इस्तीफा और जी साइन जी करके जमा कराएं, एक तो वो सूरत। दूसरा, तीन चार लोग थे जिन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि जी हमने इस्तीफा दिया, जिसमें इमरान खान खुद हैं, शीरी मजारी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और फवाद चौधरी हैं, तो इनके तो एक्सेप्ट हो ही जाने चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद स्पीकर साहब फिर अपना रोल अदा करें और इनको दावत दें एक मरतबा फिर के आप आइए और ये जो भी मुद्दत है वो पूरी जमहूरी तरीके से, क्योंकि देखें हमने इस जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमने मिसाक जमहूरियत जो साइन किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ मिलकर, हमने ये कहा था कि जमहूरियत बड़ी मुश्किल से परवान चढ़ी है, इसको डिरेल ना होने दिया जाए, इसको अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। हम उसी तरफ जा रहे हैं कि ये मुद्दत असम्बलियाँ पूरी करती, लेकिन जो भी हुआ वो ठीक है, एक जमहूरी तरीके के तहत हुआ। देखिए हम ये आईन चाहते तो हैं, था अब मोहतरमा के खिलाफ भी इस तरह तरीके में एतवाद आई थी क्योंकि वो जीत गई थी, उसमें कामयाब हो गई थी। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की मिसाक जमहूरियत, इस वक्त चूंकि मौजूदा जो हालात हैं इसमें एक और मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है, ताकि मिसाक जमहूरियत भी हो और मिसाक मईशत भी हो ताकि मुल्क आगे चल सके। मैं तो खुद, मेरी तो ख्वाहिश हो गई है कि मैं तो सबको कहती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वो तो पहले दिन जब असम्बली का इजलास था पहला और उन्होंने एज MNA खड़ों की तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा था, अगर मीडिया ने दिखाया था, मीडिया को याद हो तो, अभी याददाश्त इतनी खराब नहीं हुई कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आप आइए बैठते हैं, हम इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए और इस यहाँ की आवाम के लिए, जिसका हम सब दावा करते हैं कि जी हम आवाम के लिए आए, तो आके बैठ जाइए और ये जो भी मुद्दत है पूरी इसको करें, पूरी और करें, फिर आवाम के सामने जाते हैं, आवाम हमें वोट देगी, हम फिर आ जाएंगे। ठीक है, शाहनवाज जदून साहब किस तरह देखते हैं, चूंकि पोलिटिकली बड़ा इस वक्त चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए भी, आपके लिए भी, और असेंबलियों में वापसी के कोई चांसेस हैं, और अल्टीमेटम जो आपने दिया था, चूंकि खान साहब तो हमें जारहाना नजर आ रहे हैं और उनका मूड यही बता रहा है कि शायद 2 दिन के बाद फिर दोबारा इस्लामाबाद की कॉल देंगे वो, तो क्या हिकमत अमली है आपकी, रिलीफ अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं मिलता तो आपका क्या प्लान है? और दूसरी बात, चूंकि असेंबलियों में वापसी का कोई रास्ता है, आपको लगता है कि आप दोबारा असेंबलियों में जाएँ और असेंबलियों में रहते हुए अपोजिशन करें, बेहतरीन अपोजिशन करें और जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें अपना इनपुट दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफीर देखिए, बात ये है कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है और बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत की गई है पाकिस्तान पे, मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि ये कब, ये जो इतनी एक महीने में इतनी शराब महंगाई हो गई, 20 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, और सुनने में ही आ रहा है कि 1 तारीख को फिर 20 रुपए महंगा हो रहा है, इसी तरह आटा महंगा हो गया, इस तरह की महंगा हो गया, फिर हम मार्च करेंगे लेकिन साहब आपकी आपकी ऑडियो हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही, आप कोशिश करेंगे दोबारा कनेक्ट कर सकें आप और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। असमा वदूद, किस तरह देखती हैं इस्लामाबाद का क्या माहौल है, और चूंकि पिछले धरने में उस वक्त आप मौजूद भी थी, डी चौक में भी थी और बड़ा क्लोजली आप इस्लामाबाद की सियासत को भी जानती हैं समझती हैं, क्या माहौल है? खान साहब तो बार बार सुप्रीम कोर्ट से एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि किसी तरह वहाँ से कुछ रिलीफ मिले, और दूसरा जो हमारे पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, आपको लगता है कि खान साहब का जो मुतालबा है वो पूरा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है या खान साहब वापस असम्बलियों में लौटेंगे?
गवर्नमेंट तो एक विशेष सर्कल में फंसी हुई है रॉन्ग डिसीजंस के। जो डी चौक में हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ, जो पूरे पाकिस्तान में हुआ उस दिन, वो तो अनपैरल्ड है, वो अनकॉम्प्रिहेंडेबल है। वो उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था कि कोई हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट इस लेवल तक भी जा सकती है। मैं ऐनी शायद हूँ, आई हैव एक्सपीरियंसड, मैं एज एन ऑब्जर्वर वहाँ गई थी, और जिस तरह की वहाँ पे शेलिंग और जिस तरीके की वहाँ पे एक एग्रेशन शो की गई स्टेट की तरफ से, हालांकि ये बात हम सब जानते हैं कि पीटीआई का क्राउड कैसा है, उसका क्राउड फैमिलीज है, उसी क्राउड बच्चे हैं, वहाँ पे औरतें थी, बच्चे थी, और ये सबको पता था कि वहाँ पे होंगी। लेकिन दूसरी तरफ असमा, चूंकि पुलिस ये दावा कर रही थी उनके घरों से चीजें निकली हैं, उनकी गाड़ियों में असलहा था। जी, मैं आपको ये बताऊं कि वहां पे कुछ टाइम ऐसा था कि आपको अपना हाथ इतने डिस्टेंस से नजर नहीं आता था, इतना धुआं हो जाता था। मेरी अभी भी चेस्ट कंजेस्टेड है, मैं अभी भी सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले सक रही हूँ, हालांकि मैं तो वहाँ एक ऑब्जर्वर थी। लेकिन उनकी रिजिलियंस ऐसी थी कि वहां पे हम जो ऑब्जर्वर्स भी गए हुए थे, हम भी उन्हें छोड़ के वहां आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि इन 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 बच्चों को, औरतों को, इन जवान यंगस्टर्स को कैसे छोड़ें। तो वो हम उसको उस लिहाज से जज नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही नेगेटिव और बैड इमेज गवर्नमेंट ने अपना क्रिएट किया है, और अपने लोगों के आंखों में। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी है विद अ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन, तो ओनली डिफरेंस इज देयर पॉलिटिकल ओपिनियन। ये इतना बड़ी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि जिसपे इतना एग्रेशन शो किया जाए। इसमें आपके लीडर्स फिर आके धरनों में मजाक उड़ा रहे। मुझे कल के जलसे में मरियम नवाज साहिबा का जो कमेंट था कि इतने तो आंसू गैस से लोग नहीं रोए जितना खान साहब के। आप एक एक जिसपे आपको एक एम्पथी शो करनी चाहिए अपने पाकिस्तानियों के हवाले से, उसपे यूर ट्राइंग टू ट्राई योर बेट ऑन इट। बिल्कुल, ये तो वो सिचुएशन आपने बताई, लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? खान साहब आज से उन्होंने आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि खान साहब ने इस चीज से शायद टेक अवे कुछ भी ना किया हो, लेकिन ये बात आप देखिए कि जो क्राउड किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं हुआ, वो सिर्फ खान साहब की एक स्टेटमेंट से डिमांड बैक। खान साहब होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ हिज पीपल, और होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ हिज पीपल, वो वहां पे बहुत रिजेंटमेंट थी, लोग मुंह बना के गए, नाराज होके गए, लेकिन क्योंकि खान साहब ने कहा तो देयर सेड ऑलराइट। खान साहब के पास पार्लियामेंट में आने के लिए इस वक्त जहां पे आपका ऑपोजिशन लीडर जो है वो टिकट लेने, नून लीग के टिकट के से लड़ने के लिए तैयार हो अगले इलेक्शन में, और गवर्नमेंट की स्पीचेस पे दिलो जान से डेस्क पे जा रहे हो, उस पार्लियामेंट में आके वो बेसिकली क्या कर लेंगे? सही, व्हाट कैन एक्चुअली ही डू? जब वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने क्या किस तरीके से अपने सिस्टम के खिलाफ अपने आप को सेफगार्ड कर लिया? लेकिन रिफॉर्म्स तो वो उधर से ही ला सकते हैं, अगर यहाँ से धरनों की वजह से और लॉन्ग मार्च 2 जो अब वो प्लान कर रहे हैं अगर वो कामयाब नहीं होता तो उनके पास ऑप्शंस तो माइनस हो जाएंगे, ऑप्शंस तो खत्म हो जाएंगे। जी, एक ऑपोजिशन, एक पब्लिक, जी, और हम लोग पाकिस्तान में बहुत एक बड़ी गलती करते हैं कि हम ज़बाने ख़ल्क़ को हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इवेंचुअली आपकी जितनी भी मनूवर्स होती हैं ना, वो आपके लोगों के थ्रू ही होती हैं, या तो इस तरह से जैसे अभी एक मनूवर की गई है जिसके जिसको हर बंदे ने आइडेंटिफाई कर लिया, हर बंदा पाकिस्तान में इस चीज़ को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ दैट इज हैपनिंग। आपको लगता है कि हुकूमत इमरान खान साहब का जो मुतालबा है बड़ा सादा सा उन्होंने रखा है, लेकिन वो हमें तो नहीं लग रहा, हुकूमती जो लोग हैं उनसे बात की है, आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, पार्लियामेंट में जाती हैं, आपको लग रहा है कि कोई इस तरह का प्लान है उनका कि कोई इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाएंगे? खुद कुछ हमलावर की तरह एक रॉन्ग डिसीजन पे रॉन्ग डिसीजन लेते चले जा रहे, और ये टाइम बताएगा कि ये किस कदर इनकी इमेज को, गुडविल को आवाम में खराब करेगा। और जब भी इलेक्शन चले, अभी नहीं होते, 1.5 साल बाद होते हैं, तो आप क्या लेके जाएंगे लोगों के सामने? पेट्रोल की ज़रा मुश्किल फैसले हुकूमत, ये बात पहले कह चुकी है, इत्तेहादी और ओनरशिप लेंगे इन फैसलों की। आसमा, आपकी तरफ आऊंगा, जदून साहब हमारे साथ दोबारा लाइन पे हैं। शाहनवाज जदून साहब, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर मुश्किल का सामना है, एक तरफ हुकूमत जो है वो सख्त फैसले, मुश्किल फैसले ले रही है, दूसरी तरफ आपने ज़ाहिर अगेन आवाम में निकलना है, प्रोटेस्ट करना है, और
हुकूमत इस वक्त तक हमें नहीं लग रही लग रहा है कि वो फौरी तौर पे इलेक्शंस का ऐलान करेंगे। वो कह चुके हैं उनके तहादी भी कि हम एक साल और एक महीना रह गया वो पूरा करेंगे। जीर भाई बात देखिए कि ये लोग तो हमें ये कहते थे ना कि इमरान खान साहब की टीम ना एल है और वो मुल्क नहीं चला पा रहे। हालांकि 3.5 साल जिसमें से 2 साल कोरोना के थे और खान साहब ने बड़ी मेहनत से और उससे इस मुल्क को जो एक बड़े क्राइसिस से निकाला और हमारी जीडीपी ग्रोथ, जब ये फर्स्ट टाइम ये इम्पोर्टेड वजीर आजम आए और मायशी टीम को बुलाया और उनसे ब्रीफिंग ली तो उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी और उनको कहा है कि जीडीपी जो है वो तकरीबन 5% से ऊपर, तो ये खुद हैरान रह गए कि इसके बावजूद भी ये इमरान खान साहब को कह रहे थे। अब परेशान भी तो हो रहे हैं बात पहले हैरान हुए और अब परेशान हो रहे हैं। ये परेशान थे भाई, हम तो ये बोल रहे थे कि इमरान खान की टीम ना एल है लेकिन इन्हें कितनी कामयाबी के साथ जो इनके चेहरे लटक गए। दूसरी बात ये है कि अभी मेरी बहन बात कर रहे थे, देखो पेट्रोल की हमने 1700 अरब रुपए टैक्स ज्यादा जमा किया था फेडरल गवर्नमेंट ने और हमने 300 अरब। शाहनवाज साहब लेकिन 50 आपने समरी भेजी थी ओग्रा ने 50 रुपए पेट्रोल महंगा करने की, प्राइम मिनिस्टर ने रोक दी थी क्योंकि उनको पता था कि अब हम जा रहे हैं। हमने नहीं नहीं वही 30 रुपए आज इस हुकूमत को बढ़ाने पड़ रहे हैं। सफीर बात ये जी हमने सब्सिडी दी थी ना 300 अरब रुपए हमारे पास पैसे थे तब हमने आवाम पे बोझ नहीं डाला था ना। इनकी तरह तो नहीं थे कि भाई इनका दोरा मायार देखते कि जब अपोजिशन में होते तो इन्होंने कहा है कि नहीं ये इमरान खान साहब जो ना ये पेट्रोल इन्होंने 10 रुपए महंगा कर दिए, जब हमने 10 रुपए जो ना सस्ता कर दिया तो इन्होंने कहा है कि ये तो जुल्म कर दिया इसने और ये तो इंटरनेशनली मार्केट में पेट्रोल के प्राइस ऊपर गए और ये यहाँ सस्ते कर दिया इन्होंने। इसी तरह हमने बिजली पे सब्सिडी दी, इसी तरह खान साहब का मैं अगर आपको कहूँ तो 12-12 हजार रुपए हर मुस्तहिक को जो ना एहसास प्रोग्राम के थ्रू हम दे रहे थे, मुख्तलिफ हमने पैकेजेस अनाउंस किए थे यहाँ सेहत कार्ड, तो ये इसके बावजूद भी ये यही हमें हालांकि ये जो आज जो रोना रो रहे हैं, जब 2018 में आए हम आए थे सफीर भाई तो बिल्कुल मुल्क बैंक वो करप्ट होने जा रहा था कि भाई हमारे पास रिजर्व ही नहीं थे, तकरीबन कोई 7% पड़े हुए थे, तो उसके बावजूद भी खान साहब तुर्की सऊदीया और वो गए और उनसे जो दोस्त ममालिक है उनसे ऐसा ही था तो फिर IMF के पास क्यों जाना पड़ा जदून साहब। आज 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 बात ये है कि जब हम गवर्नमेंट छोड़ रहे थे तो 22 अरब डॉलर रिजर्व पड़े हुए थे। 22 अरब डॉलर आपके चले पूछ लेते हैं जदून साहब लाइन पे रहे, डॉक्टर निसार चीमा साहब मौजूद हैं, मैंने है सीनियर सियासतदान है। चीमा साहब एक तो ये बताइएगा कि शाहनवाज जदून साहब ये कह रहे हैं कि 22 अरब के रिजर्व हम छोड़ के गए आपके लिए और दूसरा ये कि प्राइसेस आपने बढ़ा दी, महंगाई कर दी, हम तो कोरोना ज्यादा हालात में भी इकॉनमी को बेहतर। हेलो जी चीमा साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। चीमा साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही, प्रोड्यूसर साहब जरा कोऑर्डिनेट करें और कोशिश करेंगे चीमा साहब से हमारा रابطہ हो सके, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद चीमा साहब भी हमारे साथ लाइन पे होंगे, बाकी पैनलिस्ट भी मौजूद हैं और पूछेंगे कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी और मौजूदा हुकूमत की जब हम बात कर रहे हैं मुश्किल फैसले और इस पर वज़ीर आज़म ने कहा था और ख़ासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म शाह खान अब्बासी साहब का ये शिकवा भी था कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो उनके साथ इस इत्तेहाद में शामिल हैं सबको ऑनरशिप लेनी होगी, मुश्किल फैसले ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए हमें ये फैसले उठाने पड़ेंगे। इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।